दाढ़ी में नहीं हो गया मैं। गाइस ये देखो मेरा प्यार। सबको बहुत बहुत चांद रात मुबारक। हेलो भी गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। यार कैसे हो तुम सब लोग? अभी हम लोग बहुत ज्यादा जल्दी में है क्योंकि हम लोगों ने टाइम लिया हुआ है 8 बजे का और अब हो रहे हैं 7:44। 8 बजे हमारे लिए स्पेशल। एक बंदा जो है वो अपना क्लिनिक खोल रहा है। इसको और बेला को क्या हो गया भाई, इसकी तरफ कैमरा किया सीधा ही हो गया। इसको और बेला को हमने वैक्सीन लगवाई है और बेचारे ने 8 बजे जो है वो क्लिनिक खोलना है हमारे लिए स्पेशल। उसने कहा था 8 बजे पहुंच जाना, मैंने कहा जिगर टेंशन नहीं, 8 बजे पहुंच जाएंगे। और अब भाई ये वीडियो अपलोड हो रही है और मैं इधर बैठा हूँ सर पकड़ के, ये कब अपलोड होगी, कब मैं घर से निकलूंगा, कब पहुंचूंगा 8 बजे। यहाँ से टेलीपोर्ट होके जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। प्लीज जल्दी हो जा, प्लीज जल्दी अपलोड हो जा प्लीज। जब तक ऐसा करते हैं ये देखो ये भी तैयार बैठी है। आज ये भी तैयार बैठी है, मैं लेट हूँ आज। ऐसा करो इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको अंदर डालो, हम बाकी चीजें रेडी करते हैं। कोई बात नहीं, पैक कर दो इसको, पैक कर दो जल्दी। अभी डायरेक्ट नीचे भागेगी, देखना भागेगी, मुझे यकीन है। नहीं भागी। अच्छा अच्छा, बॉल लेके क्या कर रही है? बॉल लेके आ गई है तो। यस, बाहर जा रहे हैं। यस यस, हुड़। हाँ चलो चलो, जाओ जाओ। अरे अरे, ओए ओए ओए, स्लो ओए, रास्ता बनाना जा रही है। हाँ जा जा, चल अकेली जा जा, बाय बाय, मैं नहीं आ रहा। ये क्या बात है यार, तू क्या वेट कर रहा है? हाँ चल चल, तू भी चल। चलो भाई इसको अंदर पैक कर दिया हमने। ये उस पर गुस्सा कर रही है क्योंकि ये पागल है थोड़ी सी, ये हर टाइम उसके अंदर घुसती रहती है। चलो तुम लोग बातें करो, मैं जरा जल्दी से व्लॉग अपलोड कर दूं। साफ बना हुआ है। अरे नहीं करो, बस तंग नहीं करो, तंग नहीं करो। चलो इनको लेके चले, इनको इसको भी गाड़ी में घुसाओ, इसको भी गाड़ी में घुसाओ और चले, वैक्सीन लगवाए इन दोनों को और बाकी तुमने जो मेहंदी लगवानी है। अच्छा तो भाई बहुत मेहनत के बाद इन सबको अंदर घुसा दिया गाड़ी के, मैं व्लॉग नहीं कर सका क्योंकि बहुत खपत होती है इनको बिठाने में गाड़ी में। तो अभी हम निकल रहे हैं, भाग रहा हूँ। और तू क्यों आगे आ रही है? बैठो बैठो, जल्दी करो। मैं इसको मैं गोद में नहीं ले सकती क्योंकि इसका सुसु लीक हो जाता है। कोई नहीं, बैठो, थोड़ा सा सुसु बर्दाश्त कर लो आज। चलो गाइस, तो हम लोग निकल चुके हैं। ये बेला बैठी हुई है, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। अभी 3-4 कुत्ते इधर से गुजर रहे थे और ये ऑलमोस्ट खिड़की से बाहर जाने वाली थी। हमने गाड़ी रोक के पकड़ा है, फौरन आधी लटक गई थी, आधी लटक गई थी। हमने सारे शीशे बंद किए, इसलिए पीछे सीटें फाड़ दिया मुझे लग रहा है। मेरा भी दिल दर्द हो रहा है भाई, एक अलग बात है। ये मेरा कोको पता भी नहीं पड़ा एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, देखो किधर है, पता लग रहा है किसी ने खरीदनी है। कम डीएम यार, ये जल्दी गाड़ी से कूद रही है, ये गाड़ी चला रहा है। मैंने बोला ये क्या, दो टांगे क्यों बची है पीछे? दो टांगे बाहर है, दो टांगे अंदर है। अब जाके थोड़ी नॉर्मल हुई है, पता नहीं इसको क्या हो गया था, बहुत ज्यादा अजीब बिहेवियर कर रही थी। ऊपर से जिस जगह हम लोग हैं पता नहीं इतने कुत्ते क्यों हैं, सारी दुनिया के कुत्ते ही मोहल्ले में आ गए। कुत्ते देख के इसका दिल करता है चीर फाड़। हाँ, 3 कुत्ते से देखे ऐसे, ये नहीं सोचा गाड़ी चल रही है क्या, और कूद गई लिटरली। ये दो टांगे ना फंसी होती तो ये बाहर होती, बाहर होती। इस गाड़ी का नंबर प्लेट है जॉन सीना, कुछ भी नहीं। आ गए हम लोग, करते पता लग गया है, पता लग गया आपको दोनों? नहीं मेरा वजन नहीं आ रही। बेला बेला बेला, हाँ थैंक गॉड, गाड़ी में नहीं। कैसा रहा? हो गया मैं। इसकी पहली लग रही है, इसकी पहली लग रही है। तुमने कितने रखे रोजे? रोजा आज कौन सा रोजा है? बस एक लग गया बस आ गया। किन्हें टीका लाता मैंने। चलो भाई दोनों को फाइनली लग गई है वैक्सीन, मेरा बेड़ा गर्क हो गया है। पहले तो उसने मुझे रगड़ दिया और अब इसने भी मुझे रगड़ दिया, इसने खरुंडे मारी हैं लिली के बाजू पे, यहाँ से बाजू छीन लिया है। भाई जानवर ना पालना मैं बता रहा हूँ भाई, मुझे मेरे घर वालों ने पाल लिया, पाल लेना जानवर। जानवर पाल लो, हमजा को पाल सकता है तो किसी को भी पाल सकते हैं। तो गाइज पता नहीं मैंने कैमरा ठीक पकड़ा है कि नहीं, पर हमने जो है वो दोनों को वैक्सीन लगा दी है। जूली जो है बहुत परेशान है, सांप बन के बता रहे हैं, और ये पता नहीं कैसे
चुप करके बर्दाश्त करके बैठा हुआ है, बैठी हुई है। मैं तो जेंडर कंफ्यूज हो रही हूँ जब से जूली का जेंडर चेंज हुआ है, और मेरे ऊपर इतना सारा सामान इससे रखा है, देख रहे इतना सारा सामान, मैं सामान के ऊपर बैठी हुई, नहीं सामान मेरे ऊपर बैठा हुआ। नॉट गोना लाइक, इस वक्त मैं कराची में होती ना, या इस कदर रश होता और ये जो सारी दुकानें अभी बंद है और इस तरह लग रहा है जैसे कोई हड़ताल का माहौल है, इसकी जगह ये जगह भरी हुई होती गच्चा गच्चा, और लोग मेहंदियां लगा रहे होते, एक वाइब क्रिएट होती चांद रात वाली, पर ये चीज मुझे इस्लामाबाद में नहीं देखने को मिल रही है। क्या कहना चाहोगे इस बारे में? सही बात, पर ये चीज बहुत प्यारी लग रही है, चांद रात वाली वाइब, यही चीजें दे रही है, बिल्डिंग दे रही है, और कोई चीज नहीं दे रही चांद रात वाली वाइब। अभी भाई इनको वापस छोड़ के आएंगे घर, पहले बेशक जितना भी दूर है घर, इनको वापस छोड़ के आएंगे, फिर वापस आएंगे बाकी काम कर रहे हैं, मैं इनको लेके नहीं घूम रहा साथ। अभी हम लोग घर पहुंचे हैं, वो लेके गया बेला को ऊपर, मैं जूली को लेके बैठी हूँ, क्योंकि जूली और बेला की बनती नहीं है, तुम लोगों ने व्लॉग के शुरू में देख लिया होगा, इसलिए वो पहले लेके गए ताकि वो छत पे जाए और फिर हम जूली को लेके ऊपर जाए। मैंने लगानी है मेहंदी, जाहिर है बिना मेहंदी के ईद नहीं होती लड़कियों की। अच्छा तो भाई घर वापस आ गए हैं, बेला को ऊपर मैंने छत पे छोड़ दिया है, भाई वो ना फिलहाल थोड़ी सी टीके की वजह से ना घबराई हुई है, तो उसको मैंने ऊपर छोड़ दिया खुला, वो जरा घूमेगी फिरेगी तो सही हो जाएगी। कोको भी यहीं कहीं घूम रहा है, पता नहीं कहाँ छुप गया, कोको तो गायब ही हो गया। हुमैरा को छोड़ना है कहीं पे किसी पार्लर वगैरह में जहाँ पे वो मेहंदी लगवाएगी, क्योंकि ईद है और मेहंदी जरूरी होती है। चलो चले चलो चले चांद रात मनाने में, आज हमने चांद रात मनाते हुए ना बहुत कुछ स्पेशल करना है। भला क्या? खाना खाएंगे। क्या है? सॉरी मैंने काट दिया, क्या बोल रही थी? जो हम हर व्लॉग में करते हैं, इसलिए एक साल हो गया बलून्स नहीं निकाले, वो पड़े रहे ना, जब तक फूस नहीं हो जाते पड़े रहेंगे ऐसे, तो फट गए अंदर चलाते चलाते हमारे, जब तक फूस नहीं हो जाएंगे तब तक अंदर ही रहेंगे। क्या प्लान है तुम्हारे? क्या प्लान है? तूने मेरे मुंह पे फ्लैश लाइट मारी नहीं है, चमाट की तरह लगी है मेरे मुंह पे, तुम्हारे रिएक्शन ने बताया। भाई लगता है कि अब हो गई है चांद रात शुरू, इन लोगों की है थोड़ी लेट हो गई है, ग्लिच है, बहुत लेट हुआ है भाई, ग्लिच हुई है इनकी जिंदगी, लोग अभी से ईद को तो नहीं निकल रहे। वो देखो फैमिली आ रही है, फैमिली नजर आई, वो सारे उधर जा रहे हैं आगे, हम भी आगे चलते हैं, कुछ तो होगा आगे, आगे। क्या पता कुछ तो हो आगे, आगे चलते हैं। अजीब बगैर थे, एक तो इतनी मोटे आदमी को हमने अपनी गाड़ी में बिठा लिया, ठीक है चलिए यार गाड़ी चल नहीं रही क्या। चलो जी हम लोग आ गए हलीम घर, भाई इनका खाना सस्ता और अच्छा, और रोड क्रॉस कर दी है, व्लॉग करते हुए रोड क्रॉस कर दिए, देखते हैं कौन उड़ाता है हमें। मोटी होए वो, की मोटी है, हैं क्या कह रहा है, खाना खाए चल, चलो खाना खाए। गाइस ये देखो मेरा प्यार, वो खड़ा है अब बस अब व्लॉग खत्म, गुड बाय व्लॉग, मैं तुम लोगों को नहीं जानता, तुम लोग गुड बाय कराची, कराची से अच्छा है भाई, ये क्यामत की निशानी है, इसने किसी इस्लामाबाद के पिंडी के खाने को इसने कराची के खाने से अच्छा। तो सुन रहा हूँ मैं भी, ये खा कर, मैं खाने लगा, मुझे बहुत भूख लगती है, फिर मिलते हैं। अभी रोड क्रॉस करते हुए ये मरने लगी थी, क्या मेहंदी के लिए पार्लर ढूंढ रहा, मिल नहीं रहा। चलो भाई ये तो जो है वो चली गई है, अब हम दोनों डेट पे जा रहे हैं ये चली गई है जनाब लगवाने, हमें कह के गई है कि अभी जाना ना 5 मिनट तक आ जाएगी, अब देखते हैं ये 5 मिनट कितने घंटे में गुजरते हैं वो तो अभी पता लगेगा। 2 hours later भाई बोला था ये जो 15 मिनट बोल के गई है, 2 घंटे से मैं इधर बैठा हूँ और अब मैंने ऐसे ही सो जाना है इधर ही, आधे भी क्या, आधा घंटा भी क्या बोलूं, 1.5 घंटे के बाद ही आई है मेहंदी लगवा के, हर चीज कैंसिल है, मैं घर लेके जा रहा हूँ, मैं सोना है क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर ही सो गया था। ये रोड़े चार चार क्यों नजर आ रहे हैं भाई, खुदा का वास्ता है भाई, मैंने सुबह गन्ने का जूस तो ले लिया लेकिन अब इसको पिए कैसे, चलो मैं ही पी लेता हूँ, मुझे लगा कहने लगा चलो मैं पिला देता हूँ, पता है हरामी हो बेटा, ये बेचारे इतना स्ट्रगल करके पी रही है, पता नहीं कैसे जुगाड़ लगा लगा के, क्या जरूरत है यार गले का जूस पीने की जब पता है कि हाथों में मेहंदी लगी हुई है। आपस की बात है, मेरे ख्याल से मैं भी ना अब गाड़ी चलाते चलाते सोने लगा हूँ। अच्छा भाई हम लोग तो आ गए वापस ले लियो, तो भाई फौरन सो गई आते ही, मुझे भी बहुत नींद आई हुई है, सुबह ईद है, सुबह जल्दी उठना है, तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, हम मिलेंगे अगले व्लॉग में, बाय।